यह लाभ हानि का क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम सबसे आसान तरीके से करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो देखिए, मैं सबसे शॉर्ट टर्म इसको करने के सबसे आसान तरीके, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्रय मूल्य को, हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, तो उसको मैंने लिख दिया सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, उसको हम लिख सकते हैं एसपी, और अंकित मूल्य को बोलते हैं हम मार्केट प्राइस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? एमपी। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक दुकानदार इस वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% मतलब क्या हुआ? ठीक है, इस तरह से ना, 15% यानी अगर हम मान लें कि 100 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, तो यानी 15% की छूट, उसने कितने पे बेचा होगा? 85 पे। ठीक है, मान रहे हैं अभी रेशियो के रूप में। फिर क्या कह रहा है, फिर उसे अगर जो बेच रहा है इतने पे बेचा है उसने 15% की छूट पे, फिर भी उसको क्या लाभ हो रहा है? कितना? 19% का अब लाभ हो रहा है। अब मान लिया कि 100 रुपये की थी वस्तु, उसने खरीदी थी, तो उसने कितने में बेचा हुआ? 119 में। ठीक है, 19% था ना। जब लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जितने में हमने खरीदा उतने पे ही हमारा लाभ था, तो ऐड हो गया, तो 119 हो गया। और जब डिस्काउंट देते हैं, मतलब इतने का था वो 15 का डिस्काउंट दे, ठीक है, तो यानी डिस्काउंट था तो हमने माइनस कर दिया, और जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हम क्या ऐड कर देंगे जितना हमारा प्रतिशत था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा ये दोनों कॉमन आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जो जो खाली है, जैसे ये खाली रह गया और ये खाली रह गया, तो यहाँ पे जो है उसी को यहाँ लिख देंगे हम, और यहाँ पे जो है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें गुणा करना है। देखिए, इसको इससे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8500। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अंकित मूल्य जो है 840, यानी ये जो है हमारा अभी किस में आया है, रेशियो में आया है। ठीक है, ये सारे हम रेशियो हैं बोल सकते हैं, या एक्स हम बोल सकते हैं, तो ये किसके बराबर है? हमारा 840 के। तो हम ये कर देते हैं, 11920 जो रेशियो है हमारा किसके इक्वल है? रुपये 840 के। अब इसने बोला कि हमें निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये निकालना है हमें सीपी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, एक रेशियो क्या होगा, 840 रुपये डिवाइड बाय 11900। ठीक है, एक रेशियो, और हमें निकालने कितने, इतने रेशियो की, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी कर दो। ठीक है, तो 8500 रेशियो, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, और इसको हम किसने काट सकते हैं, 17 के टेबल से, 17 5 जा 85, 17 6 जा 17 1 119। ठीक है, फिर काट दो, 7 से काटा, 7 7 1 एक बचा, 7 2 14 0, तो 120 × 5 कितना आएगा, 12 5 60, यानी 600 रुपये। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 600 रुपये। तो इस तरह से ये सबसे शॉर्ट मेथड है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम भी खूब बचेगा। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।